कुछ रीत जगत की ऐसी है। मम्मी जी, हमारी नंदिनी ना एमएमएम की प्रेसिडेंट है। एमएमएम? एमएमएम का मतलब नहीं पता आप लोगों को? नहीं। अरे, महिला मुक्ति मोर्चा। चलपा भाभी, मैं कोई मोर्चा नहीं उठा रही। अच्छा अच्छा, बस मासी को समझाने की कोशिश कर रही। मासी, बेटा तो सिर्फ घर का होकर रह जाता है, लेकिन बेटियां वो मायके की भी होती है और ससुराल की भी। अच्छा, ये सब बातें छोड़िए, आप मुंह मीठा कीजिए। रहने दे बेटा, ये सब सुनने में ही अच्छा लगता है। सच पूछो तो बेटा ही अपने घर का होता है, अरे बेटियां तो ससुराल की होती है, और जब लगन के बाद ससुराल चली जाती है ना, तो मायके वालों की कमर तोड़ के ही जाती है। हाँ, और अब तो तेरे मामा ने भी तेरी शादी बड़े पैसे वाले घर में पक्की कर दी है। हाँ, एक बात बोलूं, ये इतना बड़ा मुंह खोलेंगे ना कि तेरे मामा को पूरा का पूरा निगल जाएंगे। हाँ, माफ करना बहन, वो क्या है ना, हमारी बेटी नंदिनी थोड़ी मुंह फटे, तो इसको थोड़ा सच्चाई का सामना करा रही थी। मासी, कैसी सच्चाई का सामना करवाएंगी आप मेरे ससुराल वालों को जानती हैं? आपने कोई जांच पड़ताल की उनके बारे में? बिना इन लोगों के बारे में जाने आप इनकी सज्जनता पर लांछन कैसे लगा सकती? मेरे ससुर जी वो इंसान है जो सारी दुनिया के सामने दहेज जैसी कुरीति के खिलाफ लड़ते हैं। ना तो वो अकेले बल्कि दूसरों से भी उन्होंने शपथ दिलवाई है दहेज के खिलाफ। और इतना ही नहीं, अगर मेरी शादी की बात करें ना, तो इन लोगों ने दहेज के नाम पर एक फूटी कौड़ी तक नहीं मांगी। पूछ लीजिए मामा जी से। पार्वती बेन, नंदू सच कह रही है, इन्होंने दहेज की कोई बात नहीं की है। मतलब मोटा बापू चीटिंग कर रहे हैं। हमारे माँ बाप से तो 100 तोला सोना लिया था। अगर ऐसा है तो इस बात पर मैं तेरे हाथ से मुंह मीठा जरूर कर लेती हूँ। ला दे। और तू बहुत भाग्यशाली है कि तुझे ऐसा ससुराल मिला, और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। खुश रहे। बेन, माफ करना। अरे पकड़ो, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं भी यहाँ पर, मैं चलती हूँ। हमें भी अब चलना चाहिए, इसके बापूजी इंतजार कर रहे होंगे। जी जी, बस निकल ही रहे हम लोग। चंचल, नरेन तुम्हारे साथ है क्या? हाँ, साथ ही है, हमारे पीछे ही आ गया था। अब मैं बात करवाती हूँ बापूजी। जी। अब नरेन भाई की बैंड बजी। जय श्री कृष्ण बापूजी। भाभी, जब नरेन भाई ज्यादा स्माइल कर रहे हो ना, समझ जाओ उनको डांट पड़ रही है। बापूजी के पीछे जी लगाना बंद करो, अगर मन में रिस्पेक्ट नहीं है तो। कितनी बार फोन किया तुम्हें, उठाते क्यों नहीं? बापूजी, वो मेरा फोन साइलेंट पे था, आई एम रियली सॉरी। मना किया था ना उपलेटा जाने से। देखो, एक बात समझ लो, तुम नंदिनी को इम्पोर्टेंस देते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके लिए तुम मुझे अवॉइड करोगे, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा बापूजी। जी बस थोड़ी देर में निकल रहे बापूजी। बाबू, चले ना, घर चलते हैं। चलो नंदिनी। ये सब तुमने बनाया? अच्छे। जलपा, ये भी ले लो। हाँ, थैंक यू। मम्मी जी, चलिए ना। बच्ची है, कोई बात नहीं। चले माँ। माँ, खुश रहो।
तुझे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। भाभी अब से मुझे कभी भी बहस करनी हो तो आपको आगे कर दूंगी। चलिए ना बाबू। चलो चलिए बाबू। आइए। जय श्री कृष्ण। 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 नारायण जय श्री कृष्ण। संभल के जाना। हाश बद्दू समो सूत्रो पार पड़ियो। चलो आओ जो मेहुल भाई है। हां आओ जो। काका मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हो। मेहुल ये दहेज वाली बात हमने यहां किसी को नहीं बताई है। सबको ये लग रहा है कि इमराज सेठ ने हमसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली, जबकि सच ये है कि उन्होंने मुझसे मेरी पुरखों की पूंजी ले ली। छिपाना तो पड़ेगा है ना। तो नंदिनी को पता चल गया तो वो खुद ही शादी से इनकार कर देगी। ये झूठ मैंने अपनी नंदू की खुशी के लिए बोला है, लेकिन अगर नंदू को पता चल गया कि ये खेत ये कुआं जो उसकी मां की पूंजी है वो अब हेमराज सेठ का हो गया, क्या वो मुझे माफ कर पाएगी मेरे? हेलो कहाँ हैं आप? मोटा बापू कब से आपका फोन ट्राई कर रहे हैं? सो रहा है। रूपा डार्लिंग, क्या तुम सच में इतनी भोली हो कि तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि उन्हें अभी के अभी जगा कर कहिए कि ऑफिस जाए, वरना मोटा बापू उनका क्या हाल करेंगे ये वो अच्छे से जानते हैं। अरे क्या हुआ नरेन भाई, मेन रोड छोड़ के कच्चे रास्ते बिल्ली रास्ता काट गई क्या? नहीं वो क्या है ना, मुझे आप सबको ना कुछ दिखाना है। आइए आइए भाभी। माँ किंजल भाभी को ले गया अपने साथ। माँ ये देखिए, ये है नंदिनी के मामा का खेत, और भाभी ये आपको दिख रहा है पेड़ के ऊपर बना हुआ? हाँ। ये है नंदिनी का सिंहासन। सिंहासन जी पेड़ पे? हाँ पेड़ पे। क्या है ना नंदिनी ना यहाँ बैठ के रोज एक किताब खत्म करती है। वाओ सो एक्साइटिंग, बहुत इंटेलिजेंट। ओ किंजल कहाँ जा रही है? अरे अरे ध्यान से किंजल, ये जगह ना सिर्फ दिमाग वाले लोगों के लिए, तेरे लिए नहीं, रहने दे। क्या कहा इंटेलिजेंट? मैं अभी आपको दिखा। चढ़ के दिखा ध्यान से। सुन ये दम लोगों के लिए नहीं है। अभी बताती हूँ मैं आपको। क्या हुआ बाबू, बहुत परेशान लग रही है? नरेन नंदिनी से कितना प्यार करने लगा है ये तक कि उससे जुड़ी हर चीज से उसे लगाव हो रहा है। ये तो अच्छी बात हुई ना बाबू, अपनी होने वाली पत्नी के बारे में जितना एक पति जान ले उतना बेहतर। मम्मी जी
यहाँ नंदिनी के गांव में हवा तो है पर वो एसी जैसी कूलिंग नहीं है। चलो वे किंजल, ये भागा दौड़ी घर जाके कर लेना। चलो घर जाके भागा दौड़ी होती कहाँ है, एक तो वो बाँ जाती बीच बीच में और मोटे बाबूजी तो है ही। किंजल सही बात है मम्मी जी, मुझे तो लगता है कि नरेन भाई को यहाँ से आना ही नहीं है। हम एक काम करते हैं, ड्राइवर को बुला लेते हैं और हम घर चलते हैं। नरेन भाई को यहाँ रहने देते नंदिनी के साथ 4-5 दिन। चलपा भाभी उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि नंदिनी मुझे खुद यहाँ नहीं रहने देगी, लेकिन मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि आप सारे के सारे मुझे ये नहीं बता देते कि आप लोगों को नंदिनी कैसी लगती। भाई भाभी तो सुपर है, आपकी तो निकल पड़ी। हाउ स्वीट किंजल। हाँ नरेन, मुझे भी वो बहुत अच्छी लगी। क्या ही फर्क पड़ता है, अगर ना बोलेंगे तो आप तो सीधा यूएसए का वीजा निकलवा लोगे, है ना? माँ, आपको कैसी लगी नंदिनी? अच्छी है, बहुत अच्छी, पर मुझे उसकी एक बात अच्छी नहीं लगी। लगे क्या? पार्वती बा अपनी पोती के पैदा होने पर खुश हो या ना हो ये उनका पर्सनल मैटर है, पर किसी के पर्सनल मैटर में क्यों बोलना। हाँ हाँ हाँ, ये बात तो मुझे भी नहीं अच्छी लगी। इंसान को ना अपने काम से काम रखना चाहिए, वो कहते हैं ना अपना काम बनता तो तेल लगावा जाए जनता। जलपा अगर सब अपने काम से काम रखने लगेंगे तो इस पूरी दुनिया में गलत के खिलाफ बोलेगा कौन। मुझे नंदिनी की यही बात ना सबसे अच्छी लगी कि वो लड़की गलत को गलत बोलने से डरती नहीं। मतलब कभी बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली सवाल उठी तो नंदिनी भाभी जवाब देगी, क्यों है ना भाई? बिल्कुल सही कहा किंजल, इंटेलिजेंट है तू। मैंने तो कहा ही था। बस अब बहुत है यो नंदिनी, नंदिनी तेरी चॉइस बहुत अच्छी है। ये सुनना चाहता था ना? अब चले। माँ एक एक लास्ट जगह और प्लीज। कहाँ? एक लास्ट जगह मुझे आप लोगों की दिखा, आइए ना माँ, आइए ना। नरेन ओ किंजल चप्पल पहनी ले। अरे नरेन कहाँ लेके जा रहे हो? आइए ना प्लीज। तूने बैठना तो कहा कि एसी में जाके बैठ सकती है। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी नरेन भाई ना आज टूरिस्ट गाइड बने हैं, मुझे भी तो मजे लेने हैं ना, ये मौका मैं हाथ से कैसे जाने दूं। रुक चल संभाल के, भाभी संभाल के। आराम से बैठ सकती थी ना कार में। ऐसा क्या है इस कुएं में? ध्यान से संभाल गई। इसमें लॉक भी लगी है और अंदर पानी भी नहीं है। अरे वाह किंजल, ये नंदिनी की माँ की फाइनल रेस्टिंग प्लेस है, इसी कुएं में कूदकर उन्होंने अपनी जान दी थी। ओह माय गॉड, यहाँ नंदिनी माँ की डेथ हुई थी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.